नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिद्दी दिल मानना से मोनामी और करण यानी कि मोरन को देखने वाले हैं। इनपे मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने काफी महीने पहले करी थी, तब जो स्टोरी चल रही थी वो काफी अलग होगी और अब जो चल रही है वो काफी अलग हो चुकी होगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उस वक्त मोनामी को करण के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था लेकिन करण अपना भाई सख्त था। तो वीडियो को एंड तक देखना, चलिए शुरू करते हैं। दो बातें मोनामी, पहली आई लव यू और दूसरी भाई ये बंदा कितना बदल गया है यार, मतलब अच्छा लग रहा है देख के। सामने से इजहार किया, आई मीन अगर टेररिस्ट यहीं कहीं हुआ तो तुम ही तो हो यहाँ के बेस्ट कमांड, तुम्हारे साथ ही तो सबसे ज्यादा सेफ फील करूंगी ना मैं। करण शेरगिल कमांडो बना ही इसलिए कि आपकी मदद कर सके। अब अगली बार जब घर आओगे ना तो मोनामी को डिनर के लिए साथ में लाना। किसे? और मोनामी को भी लेकर आना। हाँ हाँ भाभी, मुझे लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ बस एक चीज के बिना मैं नहीं रह सकती। करण फोन चार्जर। फोन और चार्जर कह रही। You want to talk about the kiss? Let's talk about the kiss. कौन सी किस करना चाहती हो? एस्किमो किस, बटरफ्लाई किस, फ्रेंच किस? करण मुझे किसके बारे में बात नहीं करनी, मुझे किस करनी है। ये तो किस बात मोनामी, बात करेंगे कर, अभी किसने करना है बात करेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड। गुड नाइट मोनामी। एनी प्रॉब्लम, ट्रॉमा, एनीथिंग? तुमने कहा था कि आज हम करेंगे किस के बारे में बात। तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं डिसिप्लिन वाला ना यार बहुत। तू ही मुझको बता दे, क्यूट लग रहे दोनों अब साथ में यार। हेलो, छुप छुप के एक दूसरे को देखने की आदत हो गई। मैं भी ठीक हूँ। और आई गाइस लीव बंदा चाय के लिए जा रही है बाबा देवा भी माड़वे ने नो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। मैंने इस पे पहली वीडियो की थी ना, तो सोचा नहीं था कि मोरन को मास भी देखने मिलेगा हमें, बट अच्छा लग रहा है। फाइनली किस हुआ या नहीं हुआ, किसकी बातें होती रहेगी। क्यों तुम जाती थी वनीश, तो मैं उठाई। Excuse me? मतलब पलके भी नहीं झुकाई है ना, ऐसा आई कांटेक्ट था भाई, आइकॉनिक। इस शो की ना स्टोरी लाइन काफी डिफरेंट है, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट और अच्छा लगता है मुझे। तुम प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो करो। करण और गुस्सा ना हो प्लीज, मुझसे गुस्सा मत किया करो। ये नीचे इन दोनों जो इन लोग कुछ सेट सा ऐसा कुछ है ना, ये तो बस एक बहाना था तुम्हें बुला के यहाँ पूछने का कि Will you go on a date with me tonight? Why not? आए हाय, इशारों से आ गए।
के बोल दो अगर तुम्हें प्यार आगे। अरे लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या धड़कनों में बाजे उसकी सरगम होता है जो लव से ज्यादा इच्छाएं पूरी होते देख अच्छा लग रहा है। But I love you, Monami. I love you. I love you. I love you. भाई क्या? दो बातें रानी साहिबा, हमारा प्यार अधूरा नहीं है Monami. हम प्यार से पहले अधूरे थे. एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, मुश्किल से तो दोनों साथ में थे यार, तुझे मिलंदी कोई आस नहीं रे, तुझे मिलंदी कोई आस नहीं रे, और दोनों अलग तो नहीं हो सकते, उस पे ये सावन आया आग लगाई लंबी जुदाई चार दिन दा प्यार ओए रब्बा बड़ी लंबी जुदाई अब तक मैं कितना खुश हो रहा था इनको देख के और अब यार बहुत प्यार करते हैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे करती थी मैं करती हूँ और करती रहूँ चिट्ठियाँ तू चिट्ठियाँ लिखिया गल्ला जो मिट्टियाँ लिखिया रखिया मैं सजना सांभ के तुझसे ये जो फोरहेड किस है ना वो बहुत क्यूट है तुझ में आदतियां रखिया मैं सजना सांभ के मैं तुमसे नाराज होके कहां जाऊंगा देखो नहीं तो जीने का मतलब कह दिया अब सांसे चले ना चले क्या फिकर तू चले साथ तो खूबसूरत सफर तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा मैं तेरा होया इस तरह के रंग लग गया इश्क दा मैं तेरा होया इस तरह के रंग लग गया इश्क दा रंग लग गया इश्क दा तुम लोग सब कितना इमोशनल हुए होगे इस वाले सीन पे जो डेथ वाला सीन था वो पत्थर के नीचे दबा हुआ था यार वो तो काफी अच्छा था लेकिन एक बात है यार कि इनकी एक्टिंग के लिए तुम सब तालियां बजाओ यार उन्होंने क्या एक्ट किया उस टाइम और मुझे ऐसे मन से अच्छा नहीं लग रहा है यार कि दोनों ऐसे मतलब क्या हुआ आगे का तुम लोग कमेंट करके बताओ मुझे यार और हाँ ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुई है आई थिंक करण के बाद करण का कोई हमशक्ल आ गया जिसका नाम बल्ली है और यार देखो और तनु कुछ भी बनाना अंदर ये पापा की परी है पापा की परी है छोटी छोटी बातों पर सेंटी हो जाती है मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे के आने के बाद से शो थोड़ा ना और एक ट्विस्ट लेकर इंटरेस्टिंग हुआ कितना बुरा भला कहा कितना गलत समझा
कुड़ी ने फिर भी अपनी जान चखेल के मेरी जान बली पंजाबी है। मैनू मेरी मर्जी के खिलाफ इत्थे रोके। आज जब मैनू पता है मिशन कितना वड्डा है, कितना इंपॉर्टेंट है, आप चाहते ने मैं कमरे बह के मक्खियां मारूं। अरे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, मोरन का पार्ट 3 बनाऊंगा मैं। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और टारगेट रखते हैं 25,000 व्यूज का। 25,000 व्यूज के बाद मोरन पार्ट 3 आएगा, तो जल्दी से टारगेट पूरा करो जिससे कि मोरन पार्ट 3 बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय, इट्स ओवर।